इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। पहले आपको समझना हो क्या रहा है। यहाँ पे हम सिस्टम को किसी एक स्टेट ए से किसी एक स्टेट बी लेके जा रहे हैं, और कैसे लेके जा रहे हैं, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली लेके जा रहे हैं, इसका मतलब इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक, और दिया क्या है, दिया ये है आपको एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं है, ऑन द सिस्टम। हम जो वर्क डन लेते हैं, हम लेते हैं बाय द सिस्टम। हमारा नोटेशन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो हमारे लिए जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 22.3 जूल, क्योंकि हम तो हमेशा लेते हैं बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। तो बाय द गैस पॉजिटिव होता है, ये तो ऑन द गैस है, ऑन द सिस्टम है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। या अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट लॉ अगर हम इसमें लगाएं तो डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इन दोनों का सम डेल्टा क्यू होता है जो कि जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो माइनस डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू खुद में माइनस है और एक और माइनस लग गया तो ये प्लस 22.3 हो गया। ये आप लॉजिकली भी समझ सकते थे, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो जब सिस्टम वर्क कर रहा होता है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही होती है, वो इंटरन अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे वर्क कर रहा होता है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा होता है तो। लेकिन अगर कोई सिस्टम के ऊपर वर्क कर दे, सिस्टम को वर्क मिल जाए, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये 22.3 जूल जो है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये वर्क सिस्टम के ऊपर किसी ने कर दिया, तो यही वर्क क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि डेल्टा यू जो होगा वो 22.3 जूल होगा, डायरेक्टली आप कंसेप्ट लगा के कह सकते हो। बाकी आप इक्वेशन लगा के भी मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हो डेल्टा यू कितना होगा, 22.3 जूल होगा। क्लियर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। If the gas is taken from state A to state B via a process in which net heat absorbed by the gas is 9.35 calorie. अब सिचुएशन ये है कि अब भी हम A से B जा रहे हैं, बट हम किसी और प्रोसेस से जा रहे हैं, और उस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है वो आ रही है 9.35 कैलोरी। प्लस मैंने इसलिए लिखी क्योंकि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम अगर रिजेक्ट कर रहा होता तो माइनस होती है। कैलोरी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी जूल हीट एनर्जी वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। और इस प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस पूछा है, बाय द सिस्टम लिखा है उन्होंने, बाय द गैस ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लग रहा है वो ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेट आपकी फिक्स है और फाइनल स्टेट फिक्स है और आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, तो सभी रास्ते में डेल्टा यू जो होगा वो सेम होता है, क्योंकि डेल्टा यू कैसी प्रोसेस है आपकी, डेल्टा यू जो है वो प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, वो स्टेट फंक्शन होता है। वो सिर्फ ये पूछेगा कि ये बताओ इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, किस रास्ते से जा रहे हो उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, इंटरनल एनर्जी का चेंज स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वो पाथ और प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब हम फर्स्ट लॉ लगा देते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू कितना है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके डेल्टा क्यू लिख लोगे, डेल्टा क्यू आपको पता है। डेल्टा यू ए से बी जा रहे हो, किसी भी प्रोसेस से जाओ सेम होता है, तो जो पिछले प्रोसेस से डेल्टा यू आया है वही डेल्टा यू इस प्रोसेस का भी होगा, तो डेल्टा यू भी पता है आपको। तो सिर्फ निकालना क्या है आपको, वर्क डन। तो वर्क डन यहां पे माइनस करके आप इसको फाइंड कर लोगे। क्लियर।